देखिए आज पूरा देश कोरोना की चपेट में है। कोरोना महामारी का पूरे देश के अंदर प्रकोप फैला हुआ है और ऐसे समय में भीड़ इकट्ठा करना कोरोना को और बढ़ावा देना है। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने अच्छा निर्णय लिया कि भीड़ इकट्ठी ना हो, कोरोना से बचा जा सके, इसलिए ना केवल चुनाव में रैलियां रद्द कर देनी चाहिए बल्कि अपने पॉलिटिकल कोई भी प्रोग्राम हो, इस प्रकार की भीड़ जहाँ इकट्ठी होती हो, चाहे धार्मिक प्रोग्राम हो, चाहे राजनीतिक हो, सामाजिक हो, सभी को छोड़कर आज जरूरत इस बात की है कि कोरोना जो लगातार बढ़ रहा है इसको कैसे हटाया जा सके, इसके लिए सबको मिलकर लड़ाई होनी चाहिए। लेकिन जो बीजेपी के कार्यक्रम है, बीजेपी अपने कार्यक्रम कर रही है, उनमें भीड़ भी इकट्ठी हो रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोगों को यह कहते हैं कि घरों से बाहर मत निकलो, कई स्टेटों में वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया, हरियाणा प्रदेश में भी नाइट का कर्फ्यू लगा दिया, और दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री स्वयं और देश के गृह मंत्री जिस प्रकार भीड़ इकट्ठी करके कोरोना को बढ़ावा दे रहे हैं, इसकी हम निंदा करते हैं। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको देश हित सोचना चाहिए। देश हित के लिए आज उनके हाथ में बागडोर है, उनका सबसे पहला कदम कोरोना से कैसा बचाया जा सके, किस प्रकार आज बेड की कमी आ रही है हॉस्पिटलों के अंदर, मरीजों को बेड नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, आज जरूरत इस बात की है कि इन चीज़ों पर ध्यान देकर देश के लोगों को राहत देनी चाहिए, ना कि गलियां।